हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज हमारे एक न्यू लेक्चर में। और आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वालिटीज। और बेसिकली ये एक पार्ट है हमारे एक ऐसे चैप्टर का जिसका नाम है इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जहां पे बेसिकली आज की वीडियो में तो हम पार्टिकुलरली इनइक्वालिटीज को ही डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज वेरी क्रूशल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर जेई और हु आर ट्राइंग फॉर जेई, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर जो बच्चे बोर्ड वाले हैं वो भी इस वीडियोस में कुछ ना कुछ तो नया सीखने को उनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप यूँ समझिए कि इनइक्वालिटीज क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है या इसी से क्यों मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, आप यूँ समझिए कि आपके जो बोर्ड होते हैं और जो जेई होते हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जेई के लिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनइक्वालिटीज को बहुत अच्छे से हैंडल करें। ठीक है, जो मेनली आपके बोर्ड में होते हैं आप हर जगह इक्वालिटीज को ही देखते हैं, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, इस तरह का कुछ देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिकली आपसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि आप इक्वालिटी में भी उतने ही फ्लुएंट हैं जितने फ्लुएंट आप इक्वालिटी में, आप इनइक्वालिटी में भी उतने ही फ्लुएंट हैं जितने आप इक्वालिटी में हैं, राइट? अच्छा, तो चलिए इनइक्वालिटीज के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले इनइक्वालिटीज के सेगमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू पे आएंगे जो कि मॉड है और वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप प्लीज सारे वीडियोस को रेगुलरली सिस्टमैटिक वे में फॉलो करिएगा और बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम समझते हैं। सबसे पहली चीज तो जो हमें जानना है वो ये है कि इनइक्वालिटीज बेसिकली होती क्या क्या है और किस तरह की होती है। तो दो तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं हमारे पास, एक ग्रेटर दैन और लेस दैन जो हमारा पहला टाइप होता है, और दूसरा टाइप होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू। और इवन दो मोस्ट ऑथर्स या मोस्ट बुक्स नॉट इक्वल टू को इनइक्वालिटी में कंसिडर नहीं करते हैं, बट मैं इसे कंसिडर करता हूं बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन द क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो आप यू समझिए कि इनइक्वालिटी आपकी दो तरह की होती है, प्योर, ये प्योर होती है, प्योरली इनइक्वालिटी है, और ये इम्प्योर है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी को भी इंक्लूड कर रही है। ठीक है, तो आपने बोला कि ये आपकी प्योर इनइक्वालिटीज हो गई और ये आपकी इम्प्योर हो गई। अच्छा, अब उसके बाद प्योर इम्प्योर जब आपने समझ लिया तो फिर आपको सबसे पहली चीज जो जानना यहाँ पे जरूरी है वो है कि इनइक्वालिटीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और इन एक एक प्रॉपर्टी को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। हाँ, तो प्रॉपर्टीज क्या है, मैं सीधे उन्हीं पे आ जाता हूं। जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, ये है कि इफ ए इज लेस देन बी, और मैं लेस देन के लिए डिफाइन कर रहा हूं बट वो होल्ड करेगी किस पे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सब पे होल्ड करेगी। तो किसी के लिए भी डिफाइन कर देंगे, आपको ये समझना है कि वो सबके लिए होल्ड करेंगी। ठीक है, सो इफ ए इज लेस देन बी देन दिस इंप्लाइज, और एक्चुअली आप यू समझिए कि इट विल एटलीस्ट होल्ड फॉर प्योर, जितने भी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा वो प्योर इनइक्वालिटीज के तो होल्ड करेंगी ही करेंगी। अच्छा, फिर इफ ए इज लेस देन बी, तो आपको यू समझना है कि दिस एम्प्लाइज ए प्लस सी विल बी लेस देन बी प्लस सी फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू आर। ठीक, दिस मीन्स व्हाट, अगर ए हमारा बी से छोटा है तो ए प्लस सी बी प्लस सी से छोटा होगा, हम सी कोई भी नंबर ले लें। मतलब क्या हुआ कि एडिंग द सेम क्वांटिटी टू बोथ साइड्स नेवर अफेक्ट्स द इनइक्वालिटी। अगर हम सेम क्वांटिटी दोनों साइड पे ले आए, ठीक है, दोनों साइड पे सेम क्वांटिटी ऐड कर दें तो वो इनइक्वालिटी को कभी अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट को हम देखते हैं या सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। इफ अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए इज लेस देन बी, देन ए सी विल बी लेस देन बी सी फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू आर प्लस, राइट, और लेट्स से थोड़ा सा सिंपल सिंपल बना देता हूं, सी ग्रेटर देन जीरो। हाँ, अगर आपका ए बी से छोटा है और अगर आप दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सी ग्रेटर देन जीरो इज पॉजिटिव, तो अगर आप एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए सी इज लेस देन बी सी, मतलब वहां पर इनइक्वालिटी होल्ड होगी। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय अ सेम पॉजिटिव नंबर नेवर अफेक्ट दी इनइक्वालिटी। हाँ, अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए इज लेस देन बी, और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, मैं लेस देन के लिए डिफाइन कर रहा हूं सबको, ये ग्रेटर देन पे भी होल्ड होंगी। मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी होता यहाँ पे तो फिर ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी होता, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी होता तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होता।
अच्छा फिर देखिए, इफ ए इज लेस देन बी देन व्हाट वी हैव ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, साइन को देखिएगा, फॉर ऑल सी लेस देन जीरो, ठीक है, फॉर ऑल सी लेस देन जीरो। अगर सी एक नेगेटिव नंबर हो गया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यहां पर अगर ग्रेटर देन होता तो इधर लेस देन आ जाता, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए सी इज लेस देन बी सी फॉर ऑल सी रेंजिंग टू नेगेटिव, राइट। तो आपको ये चीज को ध्यान देना है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिमेंस अनअफेक्टेड, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और खासकर ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो और इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो इनइक्वालिटीज को हैंडल नहीं करते हैं। ऐसे वाले बच्चे तो एटलीस्ट टेंथ में इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज पे पढ़ते हैं, तो वहां पे वो इन चीजों से थोड़ा बहुत फैमिलियर तो होंगे ही, राइट। अच्छा, उसके बाद एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो देखिएगा। इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन सी, राइट। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो यानी कि ए सी से छोटा भी होगा ही होगा, ये हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन है। हाँ, बट यही बात है कि अभी तो लगता है कि जनरल ऑब्जर्वेशन है, जब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएंगे और खासकर वो जब अल्फाबेट्स के टर्म्स में होंगे तो वहां पे हम इन कंक्लूजन तक जंप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप नहीं कर पाते। तो इन्हें हमारे जो प्रॉपर्टी अगर याद रखेंगे तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक थोड़ा तेज करेगा। हाँ, तो इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है और इनका कोई पर्पस नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब इतना आपने कर लिया तो अब यहां पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी दिखाता हूं, इसको देखते जाइएगा। इफ ए बी इज पॉजिटिव, दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, और ए बाय बी इज पॉजिटिव या उनका रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, दिस इंप्लाइज ए एंड बी हैव सेम साइन, ठीक, आप समझे मेरी बात को। अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर इनका रेशियो पॉजिटिव है, तो यानी कि इन दोनों नंबर का साइन सेम है। लाइक लेट्स से ए की वैल्यू -3 है, बी की वैल्यू -2 है, तो -3 × -2 विल गिव अस 6, अ पॉजिटिव नंबर। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक पॉजिटिव नंबर अगर आया तो यानी कि अब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जो है उनका साइन सेम है। या दो नेगेटिव नंबर का आपने रेशियो लिया और पॉजिटिव आया तो मतलब उनका साइन सेम है। जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव है, वो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो ऑब्वियसली तो पॉजिटिव आना है, दोनों नेगेटिव हुए तो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इनफैक्ट इसको मैं प्रॉपर्टी 5 का सब पार्ट 1 बना देता हूं, क्योंकि इसका जो सब पार्ट 2 होगा वो अब आप समझ ही गए मैं किधर लेके जा रहा हूं मैं इसे, कि इफ ए बी is negative or a by b is negative, this implies a and b have, हाँ, dash sign, आप बताइए कैसे sign होगा इनके पास, हाँ, different sign, right। अगर दो number का product negative आया, उनका ratio negative आया, तो वो उनका जो sign है वो different हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही important property है, और ये properties आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, एकदम पिन पॉइंट है ये, बहुत ही कोर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ही कंसेप्ट आगे जाके परेशान करते हैं। तो मैं इसीलिए एकदम कोर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, जहां से आपको एकदम बारीकियां पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे शायद ही कुछ भी आए, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक नहीं आया तो फिर आपको इसके आगे का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, इनइक्वालिटीज एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लेक्चर को क्लियरली फॉलो करिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। आज के जो भी नोट्स होंगे इनकी आप फोटो खींच के मुझे ग्रुप पे सेंड करेंगे, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर के लिए किया था, ठीक है। तो इसको आप एक नॉर्म बना लीजिए, आप सारे चीजों को नोट डाउन करके आप बेसिकली उसे मुझे ग्रुप पे सेंड करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा आपका होमवर्क चेक कराने का, राइट। अच्छा, तो इतने पार्ट को कॉपी करिए, मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ और आगे चलता हूँ। वीडियो को पॉज करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, मैं हट भी जाता हूं ताकि आप पूरा देख पाए। अच्छा, चलिए, फिर उसके बाद आप अगली प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, इस पर गौर फरमाइएगा। ए इज लेस देन बी, दिस इंप्लाइज 1/a
डैश वन अपॉन बी, ठीक है, अगर ए बी से छोटा है तो उनके रेसिप्रोकल कैसे होंगे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। हाँ, वन लेट्स से, क्या आपको पता है कि टू इज लेस देन टेन, ठीक, टू का रेसिप्रोकल करेंगे आपके पास आएगा वन अपॉन टू यानी कि 0.5, टेन का रेसिप्रोकल करेंगे आपके पास आया 0.1, ठीक है। तो अगर कोई दो नंबर, मतलब एक नंबर दूसरे से छोटा है तो क्या उसका रेसिप्रोकल दूसरे से कैसा होगा, बड़ा होगा। यहां पर तो आप क्लियरली इस चीज को देख पा रहे हैं, है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। तो मैंने बोला कि अगर दो नंबर है, लेट्स से ए इज लेस देन बी, तो उसका रेसिप्रोकल कैसे रिलेटेड होगा दूसरे से, तो आपको पता है कि अगर 2 इज लेस देन 10 तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 इज लेस देन इज ग्रेटर देन 1/10, तो यहां पर तो आप ग्रेटर देन साइन लगा सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए हम लगा देते हैं इस साइन को, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस चीज पे। अगर मैं ये नंबर लेता, लेट्स से दिस, नाउ व्हाट कैन वी डू, -2 इज ऑब्वियसली लेस देन 10, राइट, -2 भी 10 से छोटा है, यहां पे आपके पास माइनस आ जाता, अब क्या हो गया, अब तो ये फेल होने लगा, है ना, -0.5 तो 0.1 से छोटा ही होगा ना, तो यहां पे तो हमारा साइन चेंज करना गलत हो गया, तो हम जनरली तो इस बात को बोल नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत कोर एकदम बारीकी में ले जा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स के, ठीक है, ये सब वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स के लिए ऐसा इंटरेस्ट बन जाएगा कि आप कहेंगे कि मुझे सब्जेक्ट के अलावा और कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, एकदम कोर में समझिए इस चीज को। 0.5 है आपके पास, हाँ, जब 0.5 था तब तो ठीक है, वो 0.1 से बड़ा हो गया, मैंने यहां पे इसको नेगेटिव कर दिया, अब ये पार्ट तो होल्ड हुआ लेकिन ये पार्ट फेल होने लगा, तो मुझे प्रॉपर्टी में देखिए क्या एडजस्टमेंट करूंगा, मैं ऐसा एडजस्टमेंट करूंगा कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं यहां पे आपके लिए बोल सकता हूं कि दिस होल्ड्स ओनली इफ ए एंड बी हैव सेम साइन, ठीक, दिस होल्ड्स ओनली इफ ए एंड बी हैव सेम साइन। हाँ, अब आप यहां पे बोलेंगे कि सर आपने तो सेम साइन लिख दिया, हाँ, क्या ये माइनस के लिए भी होल्ड करेगा, तो हम कहेंगे हाँ मेरे बच्चा, ये माइनस के लिए भी होल्ड करेगा, देखिए कैसे। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है, मैं अगर यहां पे लिखूं, आपको पता है कि -2 इज ग्रेटर देन -10, राइट, तो हमारे लॉजिक के हिसाब से हम जब रेसिप्रोकल करते तो इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाना था, ठीक है, लेस देन बन जाता है ग्रेटर देन, रिवर्स करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स, रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, तो देखिए ये हो ही जाएगी। अब आपके पास यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -0.1। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, -0.1, ठीक है, नंबर लाइन अगर आप बनाएंगे तो आपको पता है कि ये जीरो है, -0.1 यहां पे आएगा और -0.5 यहां पे कहीं आएगा, तो बड़ा ये हो गया तो ग्रेटर देन, ठीक है, तो अगर इन दोनों का साइन सेम था, रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हुई, ठीक है, जब पॉजिटिव था उसको मैंने आपको दिखाई दिया, ये देखिए नेगेटिव के लिए, ठीक, तो ये होल्ड करेगा सिर्फ इस कंडीशन पे, राइट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे समझते हैं, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज पे इसीलिए अलग से वीडियो बनाया क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज पे बहुत ढेर सारा एक्सप्रेशन देना था। हाँ, जनरली क्या करते हैं, जनरली लोग इस पे ये करते हैं कि मटेरियल बांट देते हैं, शीट देते हैं, उनको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, फिर वहां पे आपके दिमाग में ये चीजें नहीं बैठ पाती एकदम अच्छे से, तो सिर्फ इनको रीड करके आपका काम नहीं होगा, आपको कंसेप्चुअल डिटेलिंग पे एकदम फोकस्ड हो जाना होगा, एकदम छोटी छोटी चीज को एनालिसिस करना होगा, आपको हर चीज पे क्वेश्चन रेज करना होगा, सर क्यों, ठीक है, तभी जाके आप आगे जाके बेसिकली क्वेश्चन को फील कर पाएंगे, और जब तक क्वेश्चन को फील नहीं करेंगे मुश्किल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, लेट से हमारे पास ए एंड बी, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, ए बी पॉजिटिव है, तो नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन, और हाँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन दिस इंप्लाइज ए की पावर आर विल बी ग्रेटर देन बी की पावर आर फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। अगर आर पॉजिटिव हो गया तो ऐसा होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, लेट्स से कि आपके पास पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, अगर मैं इनका स्क्वायर कर देता हूं तो 9 विल बी ग्रेटर देन 4, अगर मैं इनका क्यूब कर देता हूं 27 विल बी ग्रेटर देन 8, ठीक, तो पावर पॉजिटिव है तब तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर
और ये आपका एक्चुअली फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट में बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है कि अगर a इज ग्रेटर देन b है तो देन a की पावर r विल बी लेस देन b की पावर r फॉर ऑल r दैट आर नेगेटिव, ठीक है। और ये सीधी सी बात है, नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इंडेक्स का मतलब होता है उनका रेसिप्रोकल। हाँ, और आपको पता है कि रेसिप्रोकल करने पे, ठीक है, a b को मैंने पॉजिटिव पहले ही मान लिया था, उनका साइन तो सेम है, तो अगर नेगेटिव इंडेक्स आपने दे दिया तो फिर रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, है कि नहीं? समझ में आई बात? मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, a और b का साइन सेम है तो a एंड b हैव सेम साइन। फिर अगर आपने यहां पे बोला कि a b से बड़ा है और आपने इसका जो भी इंडेक्स लगाया वो नेगेटिव लगाया, नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इट इज डिनोमिनेटर की पावर। डिनोमिनेटर की पावर मतलब कि ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगर r नेगेटिव कर देंगे, हाँ, और बहुत छोटी क्लास की मैथ से ये, अगर आप 2 की पावर माइनस 1 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2 मिलेगा। अगर आप लेट से कि 3 की पावर माइनस 2 कर देंगे तो आपको पता है कि 1 अपॉन 3 स्क्वायर मिलेगा, यानी कि 1 अपॉन 9 मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि नेगेटिव इंडेक्स दे शो द रेसिप्रोकल। तो अगर ए और बी का साइन सेम है और हम उनको रेसिप्रोकल कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स है, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या इनइक्वालिटी रिवर्स होगी? जी हाँ, रिवर्स होगी। तो मैंने इनको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, राइट। तो यही 7 प्रॉपर्टी है जिनको आपको ध्यान देना है इनइक्वालिटीज में। इनको खूब अच्छे से नोट डाउन करिए, खूब अच्छे से लिखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और इनकेस अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज या तो मुझे उसे नीचे कमेंट में आप मेरे साथ शेयर करिए उसे, या तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करिए। और जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पर बहुत ध्यान देंगे, तो आप प्लीज बहुत फोकस बनाए रखिए। इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा पहला चैप्टर है, अभी हम इसमें इनइक्वालिटीज का सेगमेंट कर रहे हैं, राइट। चलिए, थैंक यू।